दुईदिनिया परिवर्धित कार्यकारिणी बैठक जारी। बीजेपी क्षमता को आसीबा परे प्रथम कार्यकारिणी बैठक में कांग्रेस को कड़ा समालोचना करछन्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कांग्रेस एबे अन्यर सहायतारे बंचुछि, सहयोगी भोट्रे निज आसन दृढ़ करिछि बोली कहिछन्ती। ओडिशावासी को कृतज्ञता जणाइछन्ती नड्डा, सेवापाई सुजोग देथिबारु धन्यवाद देथिले। लोकसभा सीट डबल चाहिथिले, आपण 20टी देले बोली कहिछन्ती। विधानसभा 40.7% भोट दे सेवार सुजोग देइछन्ती। लोकसभा 45% भोट दे कृतज्ञता जणाइछन्ती। देशर 57% अंचल रे भारतीय जनता पार्टी सरकार गढ़ी बोली नड्डा संबोधित कर कहिछन्ती। हम अकेले ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जो विचारनिष्ठ पार्टी है, जो आइडियोलॉजिकल पार्टी है। हम यहाँ किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम किसी को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम किसी परिवार के लोगों की सेवा करने के लिए नहीं आए। हम किसी के बेटे को कुर्सी पर बैठाने के लिए नहीं आए। हम किसी के बापू को सारी जिंदगी कंधे पर ढोने के लिए नहीं आए। हम वो पार्टी है जो विचार के साथ खड़े हैं, और जिस विचार के लिए हम लोगों ने एक नहीं, चार चार पांच पांच पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया। आप याद करो 2014 से पहले का देश, और आज याद करो 2024 का देश। मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में क्या अंतर आ गया। यही देश, इसको भ्रष्टाचारी देश कहते थे 2014 में, हमें करप्ट स्टेट कहा जाता था, करप्ट। यही देश पॉलिसी पैरालिसिस कहलाता था, निर्णय न लेने वाला देश। यही देश रिमोट कंट्रोल से चलने वाला देश था। यही देश प्रधानमंत्री के पास प्रधानमंत्री की अथॉरिटी नहीं थी। ये 2014 से पहले का हमने देश देखा है। पॉलिसी पैरालिसिस, नो गवर्नेंस, करप्शन, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, ये हमने देखा है। लेकिन 2014 के बाद हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, परिवर्तन लाओ, परफॉर्म करो और देश में परिवर्तन लाओ, इस मंत्र को लेकर के आगे चले। और उन्होंने क्या कहा कि समय कम है, कम समय में ज्यादा काम करना है, इसलिए स्पीड, स्केल और स्किल तीनों को जोड़ करके आगे बढ़ना है। और आज आप देखिए, चाहे दुनिया की बात कर लो, आज चाहे आप किसी भी पैमाने पर देख लो, आज भारत को दुनिया देख रही है और मोदी जी के नेतृत्व को भी दुनिया देख रही है। ये हम सब